और इस वक्त खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल मारपीट केस में नोटिस जारी किया है। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। मारपीट से जुड़ा ये पूरा मामला था। कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया यहां पर अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर विभव की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा है। 7 अगस्त को अगली तारीख पड़ी है, सुनवाई होगी। क्या कुछ हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में, हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, बताएं विस्तार से क्या हुआ आज कोर्ट में, क्या कहा गया? जी देखिए, यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी अपीयर हुए थे और उन्होंने कहा कि काफी वक्त से वो जेल में है। 3 दिन बाद FIR दर्ज हुई, कॉल करने के बाद स्वाति मालीवाल वहां से चली गई थी, लेकिन ये तमाम चीजें ठुकरा दी सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी, उन्होंने बड़े सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि क्या सीएम के आवास को एक निजी आवास माना जा सकता है? इसके अलावा उन्होंने कहा कि विभव एक महिला के ऊपर उन्होंने इस तरह से उनके साथ मारपीट की, क्या उनको शर्म नहीं आई? हम लोग हत्यारों को, कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी जमानत दे देते हैं, लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है। और उन्होंने हालांकि काफी फटकार लगाई कि उनकी मानसिक स्थिति समझनी चाहिए, क्या अगर वो कॉल करके पुलिस को चली गई तो इसका मतलब ये समझाया जाए कि उनके साथ मारपीट नहीं हुई। ये तमाम बातें जस्टिस सूर्यकांत ने कही और इसके बाद दिल्ली पुलिस को नोटिस हालांकि जारी कर दिया गया है, जवाब मांगा गया है 1 हफ्ते के भीतर, और अगले बुधवार यानी 7 अगस्त को इस मामले की एक बार फिर सुनवाई होगी। तो फिलहाल जो है जमानत उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। जी जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए आपका। सुप्रीम कोर्ट से आशीष भार्गव हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के जो करीबी है विभव कुमार, उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी कर दिया। एक बेहद सख्त रवैया कोर्ट ने अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। 7 अगस्त को अब अगली सुनवाई है, जमानत अर्जी पर जवाब मांगा गया है कोर्ट की तरफ से। और आज की सुनवाई के दौरान आरोपी विभव पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि उनको शर्म नहीं आई कि वो एक महिला है। स्वाति मालीवाल ने दरअसल शिकायत की थी, मारपीट का आरोप लगाया था।